उनके लिए बस ऑलरेडी फ्री है, बस फ्री है, ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास फ्री है, और प्लेन में और ट्रेन में वो जहां जाना चाहेगा विधायक, वो टिकट दिखाएगा, वो कूपन कटवा लेगा तो वो जा सकता है, उसका परिवार जा सकता है, उसके दोस्त भी पूरे देश आटन कर सकते हैं पूरे सब जगह का। 4 लाख रुपए कम नहीं, दोस्त कर सकते हैं क्या? दोस्त कर सकते हैं क्या? पूछ रहे हैं दोस्त मित्र, मतलब कोई भी मित्र, आप लेके, आप माननी है भाई, आप लेके जा रहे हैं, कूपन दे रहे हैं, कौन उसको चेक करेगा? कोई मना किसी की हिम्मत है ऐसी कि पूछ ले कि आपके साथ कौन जा रहा है? ये वीआईपी है भैया, तो आप ही वीआईपी बनाते हो और आप ही को कुछ पता नहीं रहता। दूसरा ये हो गया 2 लाख। तीसरी सुविधा क्या, उनको और उनके परिवार को आजीवन है ये स्वास्थ्य सुविधा पीजीएस की उनको मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज के लिए जो हॉस्पिटल है, जो उनको कोई भी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, सारी दवाएं, सारा इलाज, सारे ऑपरेशन सब फ्री है वो जनप्रतिनिधि और उसके परिवार। तीसरी चीज क्या है, हर विधायक और सांसद को नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू है दिल्ली में, और यहाँ लखनऊ में दारुल सफा है और अन्य जगह, वहां एक फर्निश्ड फ्लैट मिलता है। फर्निश्ड फ्लैट का मतलब उसमें सोफा है, उसमें बेड है, उसमें क्या नाम से वो है, गीजर है, एसी है, सारी सिस्टम। 1.5 लाख तक की टेलीफोन की कॉलें फ्री है उनको, टेलीफोन की कॉल, बिजली का बिल नहीं लगेगा उन्हें, बिजली फ्री है। इसीलिए आप लोग कभी धोखेधड़ी में अगर लखनऊ जाओ और उनके फ्लैट देखो तो आप देखेंगे कि कभी वहां स्विच ऑफ नहीं किया जाता, बल्ब बदले जाते हैं, वो कह देते कहते कर को बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब स्विच ऑफ नहीं किया जाता। कभी अगर आप चले जाइए लखनऊ में दारुल सफा में, स्विच ऑफ कोई करता नहीं मिलेगा, ये बता देंगे 2 बल्ब फ्यूज हो गए, इनको बदल दो, केयरटेकर बदल देगा। तो स्वास्थ्य ठीक हो गया, बिजली है, टेलीफोन है, ये सब फ्री है उन्हें, ठीक है। अब इसके बाद ये आती है कि सांसद निधि और विधायक निधि कितनी है, कोई बताएगा सांसद निधि और विधायक निधि कितनी? 2 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़। जरा क्या शुभ नाम है आपका? कौन सी इसी विद्यालय के हैं, किसी और? इनके पुरवार साहब के लिए, यानी एक दिन भी जो ओथ ले लेगा वो आदमी पूरे जीवन पेंशन लेगा, और 33 साल से 38 साल तक जो सर्विस करेंगे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। इस पे सोचिए, ये है बड़ी बात। तो ये जो चीजें हैं, आप ये बताइए, आप लोग गवर्नमेंट उसके हैं नहीं भी कह सकते, लेकिन आत्मा से तो सोच सकते हैं कि नैतिक रूप से क्या ये उचित है? है ना, हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन वो तो रहा। तीसरी चीज कि एक चीज अब आई है जो कि धीरे धीरे बड़े शर्मनाक स्थिति आती है। एडीआर की रिपोर्ट आती है पूरे देश में चुनाव के बारे में, चुनाव आयोग ने कहा है, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आती है वो एडीआर की ही आती है, और सारी टीवी चैनल में, सारे अखबारों में। तो अभी आई है कि भाई 140 विधायक अपराधी के, गंभीर अपराधों के आरोपी हैं। सवाल ये है कि आप क्या अपराधियों को चुनाव जिताना चाहते हो? आप कैसे लोगों को चुनाव जिताओ? मेन चीज क्या है कि कैसे कैसे होता है, जो नामांकन भरते हैं उसमें 2 कॉलम रहते हैं, एक रहता है कि साधारण अपराध के आप आरोपी हैं, दूसरा है हीनियस अपराध। हीनियस अपराध में हत्या, डकैती, लूट और बलात्कार, अपहरण, ये जो 5-6 कैटेगरी है, इसमें उसको देना पड़ता है कि मेरे ऊपर कितने केस है। जो दिया जाता है उसकी एनालिसिस लेके रिपोर्ट हम लोग लखनऊ से, दिल्ली से करते हैं, और वो पूरे देश में सारे चैनलों में, सारे अखबारों में। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर और कानून मंत्रालय की ये रिपोर्ट पढ़ करके गंभीर निर्णय लिया पिछले 2019 के चुनाव में कि भाई अब जो भी पार्टियां किसी अपराधी, गंभीर अपराधों में शामिल किसी व्यक्ति को टिकट देंगी
तो उसे चुनाव आयोग में हलफनामा देना होगा कि आखिर हम क्यों इस अपराधी व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तू और उन्होंने क्या कहा 2019 में, उन्होंने कहा कि हर उस अब जिस गंभीर रूप से अपराधों में जो शामिल है वो जो प्रत्याशी है उसको एक टीवी चैनल और दो लार्जली सर्कुलेटेड पेपरों में न्यूज पेपरों में देना पड़ेगा कि हमारे ऊपर किस किस किस्म के आरोप है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसका मजाक क्या उड़ाएगी उड़ाएगी सुप्रीम। हाँ।